वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ, यानी कि रेनी सीजन में बिस्किट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है बच्चों का घर हो या बड़े हो, जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं हम रखते हैं, बाद में फूलना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे एक पैकेट खोलते हैं तो खाते नहीं तो वो भी वेस्ट होने लगे। तो जैसे मेरे पास ये खोल के बच्चों ने रखे हुए हैं, तो मैं ये अब क्या करूँगी, आपको तीन तरह से बताऊँगी आप इसको कैसे लंबे समय तक रेनी सीजन में स्टोर कर सकते हैं। ये तो रेनी सीजन में भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कैसे इसको स्टोर करते हैं। ये छोटा पैकेट खोला था तो सबसे पहले टिप मैं आपको बताऊंगी, ये मेरे पास बिस्किट है जो मैंने बच्चों ने नहीं खाए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कुछ चीनी डाल देंगे, जिस कंटेनर में कांच के या किसने आपने रखना, और थोड़े से राइस डाल देंगे उसमें। इससे ये होगा कि मॉइस्चर जो होगा वो सोख लेता है ये चावल और चीनी, और अपनी ये बिस्कुट हम इसमें रख देंगे। अगर ज़्यादा सिल जाए तो आप उसको 15 सेकेंड माइक्रोवेव करके भी फिर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। हम टाइटली बंद करके रख देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमने स्टोर करने बिस्किट, पहले उसमें आप नैपकिन बिछा लीजिए, इसमें इसे रख लेते हैं। और हमारे को अब चाहिए बतासे, जो हम प्रसाद वगैरह में यूज होते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि मार्केट में बड़े आसानी से सस्ते दामों में मिल जाते हैं। ये हम दो डाल देंगे, ये मॉइस्चर को अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये डाल दिए, हम ये अपने जो बिस्किट है उसमें डाल दिए। एक या दो पदार्थ से रख सकते हैं, और थोड़ी सी इसमें चीनी भी हम डाल सकते हैं। अब चाहे तो ये मोनी फॉइल से इसको ऐसे रख सकते हैं, इसको भी टाइटली बंद कर सकते। जैसे हमारे पास पैकेट होते हैं बिस्किट के, तो वो तो वैसे बंद रहे तो इतना उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा भी खुला रह जाए या खुल जाता है तो तब भी हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करके या लंबे समय तक रख सकते हैं। ये देखिए मेरे को एयर टाइट कंटेनर है प्लास्टिक का, जिसमें हमारे बिस्किट के पैकेट आ जाए हम वो लेंगे, उसमें एक ये ब्राउन पेपर आप बिछा लीजिए। और वैसे भी इसमें अगर ये प्रोटेक्शन के लिए थोड़े से राइस डाल दिए जाए, तो ये भी अगर खोल के भी आप रखेंगे इसमें तो ये भी लंबे समय तक आपके चल जाएंगे। इस प्रकार मैं ये इसको रख देती हूँ। मैंने आपको तीन तरह से इसको बिस्किट को रखने का बता दिया है। तो सबसे पहले जो हमने रखे थे उसमें राइस और हमने चीनी मिला के रख दिए, और ये कंटेनर है ये भी टाइट होता है, इसमें आप उसको रख दें। और दूसरे में हमने ये रखे इसमें बतासे और थोड़ी सी चीनी डाल दी। और वैसे हमारे अगर पूरे पैकेट है तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, नीचे एक आप कवर ब्राउन पेपर बिछा दीजिए, ब्राउन पेपर ना हो तो बटर पेपर वगैरह भी आप रख सकते हैं, और उसको टाइटली बंद कर दीजिए। तो ये काफ़ी दिनों तक बरसात में कभी ख़राब नहीं होंगे। ये हमें चीज़ें चाहिए जो घर में आसानी से मिल जाती हैं, राइस चीनी और ये बतासे मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। बतासे ना डालने चाहिए तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो अगर ये मेरी टिप आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।